नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं पैरेदार भारत न्यूज के साथ। छठ महापर्व के चौथे दिन भी सोमवार को व्रतियों ने पानी में खड़े होकर सूर्योदय से पहले कठिन रूप से तप किया। वहीं इस पर्व को लेकर शहर में हर तरफ चहल पहल भी देखने को मिल रही थी। अगर वहीं बात की जाए रविवार की, तो रविवार दोपहर 3 बजे से नहरों पर छठी माता के जयकारे हर तरफ गूंज रहे थे। व्रती पूजा सामग्री लेकर घाट पर पहुंचे और श्रद्धालु शाम को पानी में उतरकर सूर्य के अंतिम दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह भी सभी व्रतियों ने सूर्योदय से पहले छठ घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सभी ने सूर्य देवता को अर्घ दिया और अपना शीश नवाजा। उसी के चलते सभी व्रतियों ने अपने व्रत खोले और सभी की सुख समृद्धि और मंगल कामना की और सभी ने एक दूसरे को प्रसाद वितरण भी किया। ये 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन नहाका करते हैं, एक दिन खरना करते हैं, एक दिन व्रत करते हैं। इसमें हम निर्जला उपवास करते हैं और शाम को सूर्यदेव की पूजा करते हैं और सुबह में भी सूर्यदेव की पूजा करते हैं और अर्घ देने के बाद ही हम प्रसाद खाते हैं जब अपना व्रत खोलते हैं। हम छठ मैया से मांगते हैं कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे। हम जैसे हमें पूरे साल पूरा परिवार हमारा सुखी रहे और हमारे घर में शांति बनी रहे। उनके सब जैसे अपने शादीशुदा औरतें करती हैं, अपने पति के लिए करती हैं, एक कोई अपने पुत्र के लिए करता है, अलग अलग मान्यता है, सब अपने अपने के लिए करते हैं। बाल बच्चा खाती करते हैं, सुख शांति खाती करते हैं कि ये छठ माई हमारा सुख और बाल बच्चा सुखी रहे। धन दौलत सब जो मनकर्ता मांगते हैं मनकर्ता पूरा करते हैं। छठ फल फर हरी देखिए टोकरी है, वही टोकरी में सारे फल से संतरा नारियल मैंने सारे चीज़ें सूरज के देखेंगे तो अर्घ लेंगे। आदमी अपन देते हैं चाहे पंडित देते हैं, पंडितों दे देते हैं, पंडित के दिहत और अच्छा है। पंडित देते हैं तो दक्षिणा देते हैं, उसको फल फुलेट देते हैं, सारे चीज़ का गमछा बिछा देंगे तो वह मैंने सब पर्व अर्घ लेके सबके देते हैं। Hi, my name is Deepika Malik from Magnesa Language School, Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT, as from the last 1 year, we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnes. Thank you. My name is Lapri Singh. I am a student of Magnes and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT, they must join Magnes.